दोस्तों, हम सभी लोग सदियों से ये मानते आए हैं कि जीवन केवल हमारी पृथ्वी पर ही संभव है, लेकिन पिछले कुछ सालों से साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है जिसने हमारी इस धारणा को बदल कर रख दिया है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसे कई प्लैनेट्स हो सकते हैं जहां जीवन का होना संभव है, इसलिए वह पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हैं। पर क्या होगा अगर हम ये कहें कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे नहीं बल्कि हूबहू पृथ्वी के ही कई प्रतिरूप हैं जिनमें हमारी पृथ्वी जैसा ही जीवन हो। आप माने या ना माने, मगर समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स की यही थ्योरी है। आज हम ये जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं वर्ल्ड्स रियलिटी यूट्यूब चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी सहायता की है। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसे हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि शब्द का मतलब है एक। लेकिन क्या हमारा ब्रह्मांड केवल इतना ही बड़ा है जिसे हम देख सकते हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड केवल एकमात्र ब्रह्मांड नहीं बल्कि ऐसे कई समानांतर ब्रह्मांड हैं। मगर ये समानांतर ब्रह्मांड आखिर है क्या? इसी सवाल का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे चार लेवल्स में बांटा है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का प्रतिरूप किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। आपके जीवन की हर संभावना जो सच बन सकती थी वह किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। अब जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी और समानांतर ब्रह्मांड में आप ये वीडियो देख चुके हैं, या कहीं और आप इस वीडियो के बारे में जानते तक नहीं। हो सकता है कि किसी और समानांतर ब्रह्मांड में आप अभी भी जंगल में हो, या फिर आपका जन्म ही नहीं हुआ। यानी हर एक संभावना किसी न किसी समानांतर ब्रह्मांड में घटित हो रही है। आपका फैसला ही आपके भविष्य की निर्धारणा करता है, यानी आप जो फैसला लेते हैं आपकी जिंदगी उसी के अनुसार चलती है। अब जैसे बचपन में आप पढ़ाई से ज्यादा खेलों में इंटरेस्ट लिया करते थे, जबकि आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे और नौकरी में भी, तो आपने नौकरी को चुना जबकि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे। जबकि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आपके प्रतिरूप ने खेल को अपना करियर बनाया होगा, इसलिए उसके लिए वो सत्य है। और अब मुझे उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे कि पैरेलल यूनिवर्स आखिर क्या है। लेवल टू, एटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने पैरेलल यूनिवर्स के इस लेवल को जन्म दिया, जिसके अनुसार सभी ब्रह्मांड एक बुलबुले के अंदर हैं और ये आपस में जुड़कर या फिर अलग होकर एक नए ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड एक अलग बुलबुले की कैद में है और सभी ब्रह्मांडों में फिजिक्स के अलग अलग नियम हैं। तो ऐसे में पैरेलल यूनिवर्स के होने की पूरी संभावना है, लेकिन यहाँ भी समानांतर ब्रह्मांड से हमारा मिलन असंभव है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर हैं। लेवल थ्री, इस थ्योरी को जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स ने, जिसके अनुसार पैरेलल यूनिवर्स हमारी ही दुनिया में मौजूद है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वह एक दूसरे आयाम में है। इस पर वैज्ञानिकों ने कई परीक्षण भी किए हैं जिससे ये साबित हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में कई स्थानों में मौजूद हो सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने कई बार ये साबित भी किया है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह बिहेव कर सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा एक बार में कई आयामों में मौजूद होना संभव है। लेवल थ्री की इस थ्योरी से हम ये भी समझ सकते हैं कि अतीत में टाइम ट्रेवल करना बिल्कुल संभव है। जैसे कि आप अपने अतीत में टाइम ट्रेवल करके खुद को मार डालते हैं तो क्या आप जीवित बचेंगे? तो जवाब है बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि जिसे आपने मारा वह आप नहीं बल्कि आपका प्रतिरूप है, जिसकी मौत उस समानांतर ब्रह्मांड में हो जाएगी। मगर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। लेवल फोर, पैरेलल यूनिवर्स का ये लेवल मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर आधारित है। हम इसे बताए गए तीनों लेवल्स का समूह भी कह सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग गणित हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि गणित के अस्तित्व के लिए मनुष्य का होना जरूरी है। तो अब तक हमने फिजिक्स की कई थ्योरीज में ये जाना कि समानांतर ब्रह्मांड के होने की पूरी संभावना है, लेकिन अभी तक हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक इसकी सच्चाई जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर,
जिसमें माइक्रो पार्टिकल की टक्कर करवाई गई और एक ऐसे पार्टिकल का पता लगाया गया जो ग्रेविटी को कैरी करता है और उसे ग्रेविटन नाम दिया गया। ये पार्टिकल अचानक ही गायब हो जाते हैं और अचानक से दिखने लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रेविटन ही हमें दूसरे आयामों के बारे में बता सकते हैं, मगर इनको बनाना और इन पर निगरानी रखना बेहद मुश्किल काम है। तो दोस्तों, अगर आप भी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।